नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे DLED 2016 का पेपर। तो इसमें हम DLED 2016 के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथ के जो है टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं DLED के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। जो लोग भी अभी तक सिलेबस से रूबरू नहीं हुए हैं उनके लिए बता दें, 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो मैथ भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें हम 2016 में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 50 क्वेश्चन, उन सबको डिस्कस करेंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन DLED के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है DLED का, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद जस्ट बाद DLED का एग्जाम होने वाला है। आई होप आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, यदि किसी माह का तीसरा सोमवार 15वां दिन है तो माह का 5वां दिन क्या होगा। देखिए, किसी माह का 15वां दिन जो है सोमवार है, इससे पहले सोमवार कब आएगा, 7 दिन पहले, ठीक है। तो 7 दिन पहले कब, 8 तारीख को, मतलब कि सोमवार था, ठीक है। 8 तारीख को हमारा सोमवार था, तो 7 तारीख को हमारा क्या होगा, 7 तारीख को रविवार होगा, ठीक है। और 6 तारीख को हमारा क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। और अब आइए 5 तारीख पे, तो 5 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल में पर जो है बच्चे खड़े हैं, प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच कितनी दूरी है। तो देखिए, कुछ निश्चित दूरी पर बच्चे खड़े हैं 10 मीटर के अंतराल पर, ठीक है, 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं। और तो पहले अर्थात 10वें के बीच में हमें दूरी याद करनी है। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके पास, तो ये 10-1 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10-1 × 10, ठीक है। तो ये हो जाए 9 × 10 = 90। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि 10 खंभे हैं और 10 प्रत्येक खंभे के बीच में 5 मीटर की डिस्टेंस है, तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे, 10-1 करोगे 9 हो जाएगा और 5 गुणेंगे तो 45 आंसर आ जाएगा। इस टाइप का आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये इसका करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2160 को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान बताना आपको। तो सबसे पहले ऐसे में आपको करना है, इसको सिंपल अनुपात बनाना है आपको। सिंपल अनुपात बनाने के लिए कोई एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जिसका जो है जिसमें इन सबका भाग चले जाए, मतलब कि आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 का भागा देंगे तो 12 में तो आएगा 4, ठीक है। और 4 का देंगे तो 3 और 6 का देंगे तो 2, ठीक है। अब ये अनुपात बन गया 4-3-2 का, 4-3-2 का अनुपात बन गया है, ठीक है। तो 4-3-2 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, टोटल 9 है। 9 की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 4-3-2। तो आपको पहले हिस्से का मतलब 4 का याद करना है, तो पहले इसको काट लेते हैं, यहाँ पर 4 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 × 2 = 18, ठीक है। कितना बचा, 3 बजे 36, 9 × 36 240 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर 4 दशियों में ज्ञात करना है, तो × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96, ये हो जाएगा 960। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 960। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है, तो कोई संख्या है उसका 200% जो दे रखा हमें 90 दे रखा है, हमको 80% ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल है, 90% कितना है, 200 के बराबर है, तो 80 आपको ज्ञात करना है। इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 से 4 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये कट जाएगा 4 से 5 बार, ठीक है। और ये 5 इससे कट जाएगा 18 बार, ठीक है,
18 × 95, 18 × 2 आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 10 सेकंड में कितनी दूरी। देखिए यहाँ पर सेकंड में दिया है, आंसर मीटर में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में आपको, स्पीड भी आपको मीटर पर सेकंड में आपकी होनी चाहिए। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 90 को हम गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 × 95 5×25, तो 25 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो गई। तो अब फॉर्मूला आपको याद रखनी है, डिस्टेंस आपको क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड आपकी 25 है और टाइम आपको लग रहा है 10 सेकंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 250 मीटर, 250 मीटर आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5, 3, 9, 7, 1 की माध्यिका क्या होगी। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5, 7, 8 और 9, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर काउंट कर लेने हैं कितने हैं, ठीक है, तो ये हैं आपके 6 नंबर। 6 जो है एक इवन नंबर है, सम संख्या है, अगर सम संख्या हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, n/2 + 1 वा पद और +n/2 वा पद, ये आपको पहले फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। इनको जोड़ने के बाद अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। देखिए n बाई टू मतलब 6 + 1/2 वा पद, मतलब कि 6/2, 3 + 1 = 4 चौथा पद, प्लस क्या करना है आपको, तीसरा पद, n बाई टू प्लस मतलब कि तीसरा पद, ठीक है। तो चौथा पद देखिए हमने अभी लगाया था इसको 1, 3, 5, 7, 8, 9, तो देखिए चौथा पद आपका 7 है प्लस तीसरा पद कितना आपका 5 है, तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12/2 कितना होता है 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लॉसअप उनके मौसपों का 10 गुना है और लॉसअप और मौसपों का योग 176 है, यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एससीए मतलब मौसपों का हम एक्स मान लेते हैं, मान लिया, और लॉसअप हमारा क्या हो जाएगा 10x, 10 गुना है उससे, प्लस करेंगे हम 176 इनका योग है, तो यहाँ पर 11x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 176। अब इसको हम काट लेंगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो ये कट जाएगा एक बार और ये हो जाए 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, तो 66, ठीक है, तो 16 आ जाएगा, x की वैल्यू 16 आ गया आपका। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर, यदि उनमें से एक संख्या 80 है तो दूसरी बताइए। तो देखिए हमारी SCF, देख फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, नंबर संख्या फाइंड करने का, SCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो SCF देखिए हमारा x था, x की वैल्यू 16 आई थी और यहाँ पर ये था 10x मतलब 160, और यहाँ आपको पता है एक 80 है तो दूसरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है, दूसरी आपको फाइंड करनी है, तो इससे कट जाएगा, इससे दो बार कट जाएगा, 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड जो नंबर आएगा वो आएगा 32, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, √1 + √x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर दिया आपको √1 + √x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इधर स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + √x इज इक्वल टू कितना कर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, √x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। आपको पता है √x अगर 8 है तो x क्या होगा, x कितना होगा 64, भैया इधर स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो √x ये तो कट जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 64 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संख्या 69 के लिए रोमन संख्या क्या होगी? देखिए आपको रोमन संख्या भी पूछी जा रही है इसमें, तो याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए इसका राइट होगा। देखिए एल को रोमन में कहते हैं 50, ठीक है, एक्स को कहते हैं 10 और ये हो जाता है 9। तो यहाँ पर यह है 50, 10, 60, 69, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवां है, वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 7.3 मिलियन है, तो यह जनसंख्या निम्न के बराबर है। देखिए 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है, तो अगर 10 मिलियन की बात करेंगे तो 1 करोड़ होगा, तो 17 मिलियन कितना होगा, 1 करोड़ 70 लाख.3 है, तो 1 करोड़ 73 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है, 1 करोड़ 73 लाख। अगला है, एक टंकी के 3/5 भाग की धारिता 1800 लीटर है, उसके आधे भाग की धारिता आपको याद करनी है। तो 3/5 भाग की उसकी धारिता, क्षमता, कैपेसिटी जो भी कहते हो, वह है 1800 लीटर। 3 की वैल्यू यहाँ पर हम मान लेते हैं 1800, ठीक है, 3 है, टोटल 5 है, देखिए 5 टोटल है, उसमें से 3 की धारिता तो 1800 है, तो हमें 5 की धारिता ज्ञात करनी है, कुल धारिता हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से 5, ये कट जाएगा 6 बार, 600 × 5, मतलब कि कुल धारिता उसकी हो जाएगी 3000। तो आधा धारिता कितनी होगी, 1/2, मतलब कि 1500, 1500 लीटर होगी ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दिया गया है 27x = 9/3x, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, ये हो जाएगा 27x × 3x = 9। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3x लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा इंटू में ही 3 की पावर x इधर है, इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 2, 9 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 की पावर 3x ये है, इंटू में है 3 की पावर x = में है 3 की पावर 2। देखिए सब सेम है, जब ये सेम है तो हम इसके पावर से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, ये हो जाता है 3 + 1, ये हो जाएगा 4x, और = यहाँ है 2x, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं ये सब कैंसिल हो गए मान लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4, इसको हम लिखेंगे 1/2 काट देंगे, तो 1/2 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है और एक्स का मान आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर ओ केंद्र है, तो यहाँ पर देखिए आपको 40 डिग्री दिया है सी एंगल, ठीक है, अगर मैं देखूँ त्रिभुज डी बी सी डी में, तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, ठीक है, यहाँ पर बी एंगल भी 40 होगा, तो ये जो है टोटल ये पूरा 90 होगा, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो ये 90 होगा, और यहाँ पर ये 90 है, ये आपका 90 है, ये आपका 40 है, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान जो होता है 180 होता है, 90 + 40 = 130, तो 130 में से अगर हम 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50, तो 50 होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -40 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए दो संख्याओं का योगफल है, x + y = आपको 32 दिया है, एक संख्या आपको मान लें y दी है आपको -40 = 32, तो x क्या होगा, 32 + 40 कितना हो जाएगा, 72, तो मतलब दूसरी संख्या 72, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की परिधि आपको याद रखनी है क्या होती है, 2πr होती है, = क्या है, 3 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, आर क्या हो जाएगी 3/2 पाई, ये आपकी आर हो गई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्या था आपका 3/2 पाई इंटू 3/2 पाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता ना, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर दो बार आएगा, तो ये 3/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π² ठीक है। यहाँ पर हम एक पाई से एक पाई काट देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9/4π। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 9/4π, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट है 116वां क्वेश्चन है, यदि 7, 11, 15, x14 और 21, 25 का औसत जो है 15 है ठीक है। तो देखिए औसत हम कैसे 15 है, तो x का मान आपको फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो इस सबको ऐड करेंगे तो ये होगा x प्लस 93 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं, ये हैं 7 नंबर ठीक है, इज इक्वल टू हम करेंगे 15। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर इधर होगा x प्लस 93 इज इक्वल टू 15 × 7 = 105 ठीक है, इधर और x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी 105, ये इधर जाके माइनस में 93, तो ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 12, मतलब 12 जो है x की वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117वां क्वेश्चन है, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 माइनस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 का मान होगा। देखिए √5 + 1 कितना हो गया, √6 हो गया, अपॉन √5 - 1 √4, और ये हो जाएगा माइनस √4 अपॉन √6 ठीक है। एलसीएम ले लो इनका, √24 हो गया ये ठीक है, 6 × 24 इससे भाग देंगे तो √4 √6 बार जाएगा, √6 × √6 आ जाएगा, माइनस √4 बार √4 × √4 4 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, अब देखिए 6 - 4 कितना हो गया 2 अपॉन नीचे √24, √24 को कितना लगते हैं हम 6 × 24, तो √24 को हम लिखेंगे 2√6 ठीक है, और इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए 5 से छोटी संख्या कितनी होती है पासे में, 4 होती है, और टोटल जो परिणाम है कितने हैं, टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, ये होगी, तो इसका काट दोगे अगर आप तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है, बी। नेक्स्ट है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज के 15% वार्षिक दर से स्वयं के 3 गुनी हो जाएगी। देखो जब भी आपको इसको सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, गुना -1 × 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर रेट हो सकता है और टाइम भी आप हो सकता है ठीक है, जब रेट निकालना होगा तो यहाँ पर टाइम होगा, जब टाइम निकालना होगा तो यहाँ पर रेट होगा ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर 3 गुना है, तो 3 - 1 × 100 डिवाइड बाई होगा कितना, यहाँ पर रेट दिया आपको, टाइम निकालना है 15 ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 100, तो ये हो जाएगा 200/15, मतलब 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए 40/3 मतलब कि 13 = 1/3, 13 × 39 + 1 = 40/3, तो 13 = 1/3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के चौथे भाग व पांचवें भाग का योग तीसरे भाग से 28 से अधिक है। मान लें कोई संख्या x है ठीक है, x का जो चौथा भाग है प्लस उसका पांचवा भाग, x का पांचवा भाग वो जो है बराबर किसके है, x के तीसरे भाग से 28 से अधिक ठीक है। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 ठीक है,
ये जो 5x हो जाएगा और प्लस 4x, ठीक है, तो ये जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 8 3 24, 3 6 2 8 बटे 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका 9x प्लस 20/20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 84/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये होता है 27x इज इक्वल टू 20x प्लस 84, दूने कितना होता है 168, ठीक है, 168 मतलब कि 1680, ठीक है, इतना होगा। अब ये यहाँ माइनस हो जाएगा, 7x बचेगा और इज इक्वल टू 1680, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 700 स्क्वायर काटेंगे, 7 2 14 कितना बचा, 2 बचा, 7 4 28, तो 240 आ गया एक्स की वैल्यू 240 आ गया। तो संख्या बताइए, कह रहा है तो संख्या क्या है, 240 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो बेलूनों के आधार की त्रिज्याओं में 9/4 का अनुपात है, ठीक है, 9/4 का अनुपात है, यदि उनके आयतन समान हो तो उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई का अनुपात क्या है, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों का सेम है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर मतलब 81 इंटू एच वन, ठीक है, इज इक्वल टू, इनका अनुपात समान है आयतन का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई इंटू 4 6 16 आर स्क्वायर इंटू एच टू, ठीक है, इससे कट जाएगा तो ये होगा 81 एच वन इज इक्वल टू 16 H2, ठीक है, तो H1/H2 क्या आएगा, 16 आ जाएगा अपॉन 81, तो 16:16:81 जो होगा यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दो नल एक टैंकी को क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे में अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है, तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेंगे टैंकी को, ये पूछा आपसे। तो देखिए पहला नल जो है 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है, दूसरा 4 घंटे में, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी की, तो यह है 4 है, इसकी इफिशेंसी मतलब 1 घंटे में कितना भर सकता है, 1 घंटे में ये भर सकता है 2, ये भर सकता है 1, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो आप देखिए टोटल कैपेसिटी यहाँ पर पूछी है, तो यहाँ पर पूछा क्या है, दोनों मिलकर, ठीक है, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी है 3 है, और टोटल कितना है टंकी की कैपेसिटी, तो दोनों की इफिशेंसी कितनी है 3 है, ठीक है, और टंकी की कैपेसिटी है 4, तो ये होगा 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 क्या है, यहाँ पर पूछा है घंटा, अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये काट देगा 60 को 3 बार, तो 20 आ जाएगा, तो 20 6 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 18 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है परिणामी घनाप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो घन है, ये दो घन है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, देखिए घन के सभी कोर जो होते हैं उनका जो सेम होते हैं, ठीक है, घन के, ठीक है, ये 18 है तो सभी हो जाए इसके 18 होंगे, ठीक है, अब इसको हमने मिला दिया, ठीक है, यहाँ पर ये भी 18 है, ये भी 18 है, मिलाने के बाद ये 36 हो जाएगा, ये 18 रहेगा, ये 18 रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर घनाभ है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB BH + HL, ठीक है, ये होता है, आपको याद रखना है, तो इसको रखेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 36 × 18 + 18 × 18 + 18 × 36, ठीक है, जब ये करेंगे तो ये कितना होगा, तो इसका जो आएगा वो आएगा 648 हो गया, प्लस 324 18 × 18 + 648, इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो इसको टोटल कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर देखिए
सभी एक्स 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 हैं, ठीक है, इनकी पावर में देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी ए, मल्टीप्लाई करने के प्लस हो जाते हैं पावर, तो सी बी माइनस बी ए, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अब ए बी से हम काट देंगे ए बी, ठीक है, और यहाँ पर ए सी से ए सी और सी बी से बी सी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो जीरो हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13, 14, 15 है, इनका परिमाप जो है 84 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दिया आपको, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। अब देखिए हम इसकी भुजा 13x, 14x, 15x हमने मान ली, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा, ये बराबर हमारा 84 के, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 13x में, तो पहली भुजा क्या आएगी 2 से 26, दूसरी भुजा आपकी आ जाएगी कितनी, दूसरी भुजा आपकी आ जाएगी 28, तीसरी भुजा आ जाएगी 30। अब ये जो है यहाँ पर देखो आप भुजा देखिए 26, 28 और 30, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, नहीं है, ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं हम, हीरोन्स के फॉर्मूले से, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, एस फाइंड करना पड़ेगा, इन तीनों को टोटल करके अपॉन टू करोगे तो आपको एस निकल जाएगा, उसके बाद हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, इसमें आप रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा, और एस देखिए आपको पता है, इससे आपको एस निकल जाएगा, और भुजाएं आपकी ए जो है ये 26 है, बी आपकी 28 है, सी आपकी 30 है, ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक 15 है, माध्यिका 15 है, तो माध्य याद कीजिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, इज इक्वल टू 3 गुणा माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है। तो देखिए बहुलक आपको, माध्य आपको x मान लेना है, निकालना है, बहुलक आपको दिया है कितना 15 इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य x और माध्यिका 15, तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 15 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 45, तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है, ये कट जाएगा और इससे कटेगा x इज इक्वल टू 15, माध्य क्या आएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई भुजाओं की मापों में से किस माप से त्रिभुज संभव है, तो देखिए त्रिभुज कोई भी होता है उसकी तो दो भुजाएँ होंगी, या हम ए बी सी तीन भुजाएं हैं, ए प्लस बी जो होगा वो जो ग्रेटर देन होगा सी से, सी से बड़ी होगी उसकी दो भुजाएं का योग, ठीक है, उसकी दो भुजाओं का योग सी से अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है 5 ए प्लस बी, ये 5 है, अधिक तो नहीं है, इक्वल है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है 6, 3, 9 और 7, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ए प्लस बी 9 होता है और ये जो है सी से अधिक है, ठीक है, तो सी से अधिक है मतलब कि ये त्रिभुज संभव है, ठीक है, सी 7 है यहाँ पर और ये भी संभव नहीं है, इक्वल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, यदि इस मिश्रण में 7 लीटर और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, देखिए 4:1 है 70 लीटर मिश्रण में, तो देखिए इसको हम करेंगे अब 4x + x करेंगे, तो ये जो बराबर होगा 70 लीटर के बराबर टोटल मिक्सचर है, तो 5x = यहाँ का 70 होगा, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 14, ठीक है, मतलब देखिए 14 * 4 कितना होता है 56, ठीक है, 56 लीटर तो आपका दूध है और 14 लीटर आपका पानी है, आपने क्या किया 7 लीटर और पानी मिला दिया, अब पानी यहाँ पर कितना हो गया 21 हो गया और दूध तो आपका वही रहा 56 ही, तो ये रेशियो कितना हुआ, उसको अगर 60 से काटे 8 * 7 = 56 और 7 * 21 तो 8:3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 229वां, अगला है 129वां क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो
तो लाभ आपको क्या करना है, तो 10 वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, वो जो बराबर है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर है। यहाँ सबको सीपी पता चल जाएगा, सीपी आपका 9 है और एसपी आपका क्या है 10 है, तो लाभ कितने का हुआ, आपने 9 का खरीदा 10 का बेचा, 1 का लाभ हुआ, किस पर हुआ 9 का खरीदा था गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 सही 1/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुनी है, मान लिया लड़कों की एक्स है तो लड़कियों की कितनी है 4x है। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी भाई। ठीक है, तो कौन सी संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या से नहीं हो सकती, देखिए वो संख्या नहीं हो सकती जिसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 तो हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, लेकिन 42 नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे डीएलएड 2016 के मैथ के 30 क्वेश्चन, और बचे हुए 20 क्वेश्चन के लिए हम पार्ट 2 लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।